हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। जी बिल्कुल, आज आपको हम दिखा रहे हैं एक देहाती इलाके का मंज़र, और हम आज आपको इसमें दिखाएंगे कि जब बारिशी मौसम होता है, जब आसमान पे बादल छा जाते हैं, तो देहात का मंज़र कैसे होता है। यकीनी बात है कि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, इस खूबसूरत ऐसे खूबसूरत मनाजिर देखने से वो कासिर रहते हैं। अगर मेरा कैमरामैन इरफान आपको इस साइड पे दिखा सके, तो ये सामने आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत जो हैं नज़र आ रहे होंगे आपको, ये दरख्त, और ये हल्की हल्की हवा चल रही है, और ये हिलते हुए खूबसूरत दरख्त, ये एक बड़े पुरकशिश और मुनफरिद नज़र आ रहे हैं। अगर इस साइड पे आ जाएं, ये दरख्त देख लें, ये काफ़ी सारे यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, ये हवा के साथ इनका जो है खूबसूरत एक जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है। अगर हम इस साइड पे जाते हैं तो इस तरफ भी, क्योंकि यहाँ पे फ़िज़ा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, इस वजह से यहाँ पर दरख्तों के पत्ते जो हैं धुले हुए हैं, उन पर किसी किस्म की गर्द मौजूद नहीं है, ये बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। दूर तक देखा जाए तो आंखों को एक खूबसूरत जो है मंज़र देखने को मिलता है। अगर ये बात की जाए, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, तो ये सामने आप देख सकते हैं कि वो सामने दरख्तों पे कुछ जो है बैठे हुए हैं, परिंदे जो बैठे हुए हैं, और ये परिंदे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। यकीनी बात है, आज खूबसूरत मौसम है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, और ऐसे मौसम को हर बंदा जो है बिलखसूस कहा जाता है कि ज़िंदा दिल जो लोग हैं, वो तो ऐसे मौसम को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगर हम इस साइड की बात करें, तो इस साइड पे भी वो दूर से नज़र आती एक जो गाड़ी है, वो एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। हर तरफ नज़ारा ही नज़ारा है, खूबसूरती ही खूबसूरती है, हुस्न ही हुस्न है, क्योंकि ये कुदरती हुस्न यहाँ पर मौजूद है, ये नेचर है, और नेचर के करीब जब जाता है इंसान, तो उसको रूहानी तौर पर, दिली तौर पर, जिस्मानी तौर पर बड़ा सुकून मिलता है। जैसा कि कहा जाता है कि सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले ग्रीनरी को देखें, सब पत्तों को देखें, पौधों को देखें, क्योंकि उससे आँखों की नज़र जो है, बेनाई जो है, उसमें इजाफा होता है। जी अगर हम इस तरफ देखना शुरू करें, तो ये देखें जी, लहलहाते जो दरख्त हैं, बल्कि फसलें लहलहा रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे दरख्त लहलहाते नज़र आ रहे हैं। ये दूर तक नज़र आने वाली हर चीज़ जो है बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। अगर आसमान की तरफ अब मेरा कैमरामैन कैमरे को मूव करे, तो ये देख सकते हैं कि ये आसमान पे खूबसूरत बादलों ने डेरे जमाए हुए हैं, और ऐसा मौसम जो है दिलों पे बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करता है। शायद किसी शायर ने इसी मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ये गाना लिखा था कि आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू चिट्ठी लेके आजा बालमा। ये इस तरफ देखिए जनाब, ये इस तरफ देख सकते हैं कि ये एक खूबसूरत मंज़र है, और ये क्योंकि मगरिब की साइड है, और मगरिब की साइड जो है इस तरफ सूरज ग़ुरूब हो रहा है, हल्की हल्की रोशनी जो है बादलों में आपको नज़र आ रही होगी, ये दरख्त नज़र आ रहे होंगे आपको, और ये खूबसूरत मंज़र जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये शीशम का जो दरख्त है, और इसके जो पत्ते हैं, और ये पत्ते जो हैं और दरख्तों की निस्बत इनका कलर जो है मुनफरिद है, और आप देख सकते हैं कि इस पे बूर आ चुका है, क्योंकि बाहर के मौसम जो है शजरकारी के लिए बेहतरीन मौसम होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कहीं कहीं पे ये खुश्क पत्ते जो हैं मौजूद हैं, लेकिन ये खुश्क पत्ते अब झड़ना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद ताज़ा जो पत्ते निकलेंगे वो खूबसूरत भी होंगे और कलरफुल भी होंगे। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो आपको दिखाया जा सकेगा कि ये देखें जी जनाब, यहाँ नीचे सारे जो हैं ये खुश्क पत्ते झाड़ के नीचे गिर चुके हैं, ये सामने नज़र आने वाले पत्ते। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये इन पत्तों की बात करें, तो ये देखें जी, ये क्या खूबसूरत नज़ारा है। और आप यकीन कीजिए कि इस वक्त मेरी आंखें जो हैं बड़ी राहत महसूस कर रही हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इनको देखने के बाद। और यकीनी बात है, जब आप ये नज़ारा करेंगे, तो यकीनन आप भी इस मौसम को इन्जॉय करेंगे, इन नज़ारों को इन्जॉय करेंगे।
बिल्कुल जनाब, हमारी जानिब से आपको ये ऑफ़र है कि अगर कभी भी आप मियांवाली की जो तहसील है पिपला, यहाँ पे ये जिस जगह पे हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप आते हैं तो हमारी तरफ से आपको एक खुली ऑफ़र है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, इन खूबसूरत मनाजिर को आप देख सकते हैं। Thank you.